तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 72 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, तो वहीं 121 आरएएस के भी तबादले हुए हैं। 6 एपीओ आईएएस अफसरों को पोस्टिंग मिली है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। विश्वमोहन शर्मा को आयुक्त मिड डे मील राजस्थान लगाया गया है। ओम प्रकाश बुनकर आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पंचायती राज विभाग। और सिलसिलेवार नाम अब आपको बताती हूँ, राजेंद्र सिंह शेखावत सचिव राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जयपुर। राजेंद्र विजय विशिष्ट शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले। प्रकाश चंद्र शर्मा कार्यकारी निदेशक रूडसी को। और आरयूआई डीपी नरेंद्र गुप्ता को लगाया है विशिष्ट शासन सचिव राजस्व विभाग। तो अनिल कुमार अग्रवाल आयुक्त विभागीय जांच जयपुर। रुक्मणी रियार को लगाया है आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर। सिद्धार्थ सिहा को लगा है संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री। हिमांशु गुप्ता आयुक्त उद्योग वाणिज्य कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी। नमित मेहता को लगा है जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा। अविचल चतुर्वेदी को लगा है राज्य परियोजना निदेशक एसएमएसए। अर्जीलाल अचल को लगा है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट फलौदी। आशीष गुप्ता जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अलवर। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर उत्तराज जुट गए। डॉक्टर उत्तराज, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और इधर हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, तो फिर ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव हुआ है प्रदेश में, बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर क्या कहेंगे आप? देखिए जैसी जो जैसे ही बदला सरकार के विभागों का बंटवारा हुआ, वैसे ही माना जा रहा था कि अब जल्दी ही आईएएस अधिकारियों की लिस्ट आएगी। हालांकि यह लिस्ट पूरी तरह से जिला कलेक्टरों पर केंद्रित रही है और 33 जिलों के यहाँ पर कलेक्टर बदल दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही हम मोटे तौर पर देखें तो करीब करीब 86 संख्या आती है एसडीओ बदल जाने की, जिसमें आरएएस एसडीओ भी शामिल है और आईएएस एसडीओ भी शामिल है। जो 6 अधिकारी थे 2021 बैच के आईएएस अधिकारी, उन्हें पोस्टिंग दी गई है। इनमें रिया डाबी का भी नाम शामिल है और रिया डाबी को भी एसडीओ के रूप में गिरवा में पोस्टिंग दी गई है। यहाँ पर एक खास बात इन तबादलों को लेकर यह है कि जो संयुक्त सचिव बनाई गई थी सौम्या झा अस्थायी रूप में मुख्यमंत्री की, अब वो कलेक्टर बना दी गई हैं और अब नए संयुक्त सचिव के रूप में जो सिद्धार्थ सियाग हैं वो नजर आएंगे और इनको पूर्णकालिक संयुक्त सचिव बनाया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय में, ये नजर आएंगे सिद्धार्थ सियाग। और एसडीओ बदले गए हैं, एडीएम बदले गए हैं, यहाँ पर 32 एडीएम भी बदले गए हैं। तो निश्चित रूप से यह जो जारी की है, जो आज से संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी हो रहा है, मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया है आज से, तो इसके मद्देनजर ये जारी की गई है। क्योंकि आज से लेकर 8 फरवरी तक जो मतदाता कार्यों से जुड़े हुए हैं, मतदान कार्यों से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जिनमें कलेक्टर आते हैं, एसडीओ आते हैं, एडीएम आते हैं, इन तमाम की अब तबादला नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ये उसके मद्देनजर मध्यरात्रि बाद जारी की गई सूची है और 5 तारीख की ये सूची बनाई गई थी और ये साफ दिखाई देता है कि इस पे ज्यादा रद्दोबदल नहीं किया गया है, क्योंकि ज्यादातर को छेड़ा नहीं गया है। बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी कलेक्टर हैं जिनको एक जिले से दूसरे जिले में ही तबादला कर दिया गया है। जो पुराने जो नए जिले बनाए थे पिछली सरकार ने, ऐसे 9 जिले हैं जिसमें इस सरकार ने भी कलेक्टर बदले हैं और करीब 24 जो पुराने जिले थे उसमें कलेक्टर बदले गए हैं। इसके साथ ही एक जगह जिला आबकारी अधिकारी बदले गए हैं। तो बड़ी संख्या में जो यूआईटी हैं, जो नगर विकास न्यास हैं, जो शहरी संस्थाएं शहरी निकायों से जुड़ी हुई और जिला परिषद के सीईओ, ये बदले गए हैं। निश्चित तौर पर यह भजनलाल सरकार की पहली सूची है, पहली बड़ी सूची और पहला बड़ा फेरबदल। अब भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि अब इनके पास तबादले के लिए सचिवालय स्तर के अधिकारी बचे, जिसका इनके तबादले ये बाद में भी कर सकते हैं, इसलिए जो पहली फुर्सत में इन्हें तबादले करने थे फील्ड के तबादले,
वो उन्होंने मुनासिब समझा वो किया है जी। ये तमाम सूची इसी की तस्दीक करती हैं और निश्चित रूप से अब जब सूची आएंगी तो एक के बाद एक सूची आएंगी जिसमें आज भी सूची आ सकती या फिर कल तक सूची आने की संभावना है। कल क्योंकि कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाएगी और जब फुर्सत हो जाएगी सरकार की इसके बाद सचिवालय में आला विभागों के अहम महकमों के अधिकारी बदले जाने हैं क्योंकि जो काफी समय से हैं एक ही सीट पर वो भी बदले जाएंगे और साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सरकार को प्रतीत होगा उपयुक्त अधिकारियों के लिए वैसे अधिकारी लगाए जाएंगे। जो यहाँ की जो अभी तबादलों की जो सूची है उसमें ज्यादा अधिकारियों को नहीं बदला गया कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को बदला गया है एसडीओ स्तर के अधिकारियों को बदला गया जिला परिषद सीईओ के स्तर के अधिकारियों को बदला गया है आबकारी अधिकारी स्तर के अधिकारियों को बदला गया। लेकिन ऋतुराज आप ये बताइए क्योंकि अब सरकार हमने देखी बनते हुए या सरकार में मंत्रिमंडल बढ़ते हुए देखा विभाग बढ़ते हुए कहीं ना कहीं अब एक जो मिथ चला रहा था कि सिर्फ अनुभवी लोग ही रहेंगे उसको तोड़ा गया है फ्रेशनेस भी लेकर आई गई है लेकिन जो तबादला सूची आपको नजर आ रही है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है इसमें भी अनुभव और फ्रेशनेस का मिश्रण नजर आ रहा है या फिर अनुभव के आधार पर तरजीह ज्यादा दी गई है इसमें। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये जयदीप और जो हम पूरी सूची देख पा रहे हैं रात भर से अभी तक इसमें जो यंग ब्लड है उसको आगे लाने की यहाँ पर कोशिश देखी जा सकती है और अब अगर पुराने और नए को मिला के हम बात करें क्योंकि दिलों की संख्या भी बढ़ गई है करीब 50 हो गई है तो ऐसे मान सकते हैं हम एक तिहाई से ज्यादा अधिकारी ऐसे हैं जो बिल्कुल यंग हैं और उनमें उनका मिश्रण किया गया है जिनको पहले से ही जिलों में परखा जा चुका है कलेक्टर के रूप में तो उनके जिले बदले गए हैं उनको एक जिले से दूसरे जिले में जिम्मेदारी सौंपी है और इसके साथ साथ ही जो नए वो लोग हैं नए चेहरे जिनको कलेक्ट्री का जिम्मेदारी आजमाई जानी थी वो प्रयोग किया जाना था तो इस सूची में वो प्रयोग किया गया तो ये तीन ऐसे मिश्रण वाली सूची है बिल्कुल नए कलेक्टर भी बनाए गए हैं और जो कलेक्टर पहले थे उनका जिलों का प्रभार भी बदल गया दिया गया है और जो जो अनुभवी थे वो भी उसमें सूची में हम शामिल देख सकते हैं तो यह एक सम्मिश्रित सूची हम कह सकते हैं और अगर पूरे 50 जिलों की बात करें तो हालांकि जो पहले से ही काम कर रहे हैं पिछली सरकार से ऐसे करीब करीब 17 जिले हैं जहां पर जी नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और पूरा विश्लेषण भी एकदम सटीक आपका।